properties or what are the various chemical behavior of lanthanides. Let's see that. So jo lanthanides hai, they are having the starting element from cerium, having atomic number 58 and going to the lutetium up to atomic number 72. तो अगर हम सिंपल देखिए Ce58 एंड एंडिंग एट Lu72, व्हाट आर देयर केमिकल बिहेवियर. तो जो भी हमारे लैंथेनाइड्स हैं व्हेन दे आर हीटेड विद द कार्बन एट 2773 केल्विन तो दे विल फॉर्म अ लैंथेनाइड कार्बाइन. तो अगर हम लोग लैंथेनाइड्स को हम लैंथेनाइड्स के लिए जनरल हैंडल लिख लेते हैं LN. Lanthanoids while combined with the or heated with the oxygen they give us क्या करेंगे? They are giving us a lanthanoid oxide because lanthanoids का जो oxidation state general oxidation state है वो +3 है. तो यहाँ पे जब हम इसको burn करेंगे तो we are getting the oxide of a lanthanoid. अगर हम lanthanoids को dilute acids के साथ treat करें acids के साथ then हाइड्रोजन गैस विल लिबरेटेड. हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर आएगी एंड व्हाट वी आर हैविंग हियर फॉर्मूला कैसा हो जाएगा. यहां पे एक सॉल्ट बनेगा. वी आर हैविंग द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल कम आउट. देन अगर जो लैंथेनॉइड्स है लैंथेनॉइड्स को हम कार्बन के साथ हीट करते हैं एट 2773 केल्विन पे तो वी विल गेट लैंथेनाइड कार्बाइड. हमें यहां पे क्या मिलेगा? लैंथेनाइड कार्बाइड मिलेगा. और अगर हम लैंथेनॉइड्स को जर्नल एलएन लिख रहे हैं नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग लैंथेनाइड नाइट्राइड. अगर हम लोग लैंथेनाइड को सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर? लैंथेनाइड सल्फाइड. और अगर हम लैंथेनाइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वी आर गेटिंग लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड प्लस यहां पे भी हाइड्रोजन गैस विल कम आउट. एंड अगर अब हम जो लैंथेनाइड है उसे हैलोजन के साथ लैंथेनाइड को हैलोजन के साथ हैलोजन हमारा Cl, F, Br, I हो सकता है तो we are getting lanthanide trihalides. So these are the chemical behavior. किसका behavior है? This is the chemical behavior of lanthanides. How the lanthanides are behaving with the various reagents. तो हम इसे एक छोटा सा चार्ट बना के भी समराइज कर सकते हैं कि हम लैंथेनाइड को इस तरह से सेंटर में लिख लें एंड वी विल हैव कि अगर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग Ln2O3. एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो सॉल्ट ऑफ लैंथेनाइड प्लस H2. एंड अगर वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं वी आर गेटिंग LN हाइड्रोक्साइड प्लस H2. यहां पर भी गैस बाहर आएगी. अगर कार्बन के साथ एट 2773 पे अगर केल्विन पे ट्रीट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग लैंथेनाइड कार्बाइड. अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग लैंथेनाइड नाइट्राइड. सल्फर के साथ हीट करेंगे तो वी आर गेटिंग Ln2S3 दैट लैंथेनाइड का सल्फाइड. और यहाँ पे अगर हम हैलोजन इज देयर हैलोजन से ट्रीट करते हैं तो वी आर गेटिंग लैंथेनाइड हैलाइड.
तो इस तरह से ये जो एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइट के, वो वेरियस रिएजेंट से जब ट्रीट अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ये वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। इनिशियल में जो एलिमेंट्स होते हैं, इनिशियली जो हमारे लैंथेनाइट्स हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अ कैल्शियम एंड हम कह सकते हैं स्टार्टिंग मटीरियल्स और स्टार्टिंग एलिमेंट्स। स्टार्टिंग एलिमेंट्स बिहेविंग लाइक कैल्शियम एंड एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस दे बिहेव लाइक एल्यूमिनियम। तो जो इनिशियल वाले एलिमेंट्स हैं वो कैल्शियम की तरह बिहेव करते हैं और जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं दे बिहेविंग लाइक एल्यूमिनियम। सो दीज आर द वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंथेनाइट्स। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर तक अभी आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय।